सुप्रभातम छात्राः, आज हम आपके साथ व्याकरण शेयर करेंगे। हम लोग मिलके व्याकरण पढ़ेंगे। शब्द रूप में आप देखिए, आपने क्लास फाइव क्लास सिक्स में अकारांत आकारांत इकारांत ईकारांत, अकारांत में बालक, आकारांत में बालिका, इकारांत में मति कवि रवि, ईकारांत में नदी, शब्द पढ़ रखा है। अब आज हम आपको इकारांत ही शब्द सुनने सिखा रहे हैं। मुनि शब्द पुल्लिंग है, ये मुनि पुल्लिंग शब्द। विभक्तियाँ वही हैं सातों, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। अब इसमें एक वचन द्विवचन बहुवचन ये हमेशा रहता है। मुनि ही मुनि मुनयः, मुनि मुनि मुनीन, मुनिना मुनिभ्याम मुनिभिः, मुनये मुनिभ्याम मुनिभ्यः, मुनेह मुनिभ्याम मुनिभ्यः, मुनेह मुन्योह मुनीनाम, मुनौ मुन्योह मुनिषु, हे मुने हे मुनि हे मुनयः। इसी तरह से कवि कपि रवि जैसे शब्दों के रूप भी बनेंगे। अब इकारांत स्त्रीलिंग पे आइए, वो तो पुल्लिंग था, स्त्रीलिंग में आइए। स्त्रीलिंग क्या है? मति शब्द है। मति माने आपकी राय, मति बुद्धि। तो इसमें क्या है? मति ही मति मतयः, मति मति मतीह, मत्या मतिभ्याम मतिभिः, मतये मतिभ्याम मतिभ्यः, मतेह मतिभ्याम मतिभ्यः, मतेह मत्योह मतीनाम, मत्याम मत्योह मतीसु मतिसु, हे मते हे मति हे मतयः। गति भूमि तिथि प्रकृति रात्रि आदि शब्दों के रूप भी इसी तरह से बनेंगे। अब इकारांत में आ जाइए, बड़ी की मात्रा नदी शब्द पे आइए। वो छोटी की मात्रा वाले थे इकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग, अभी इकारांत में आए नदी शब्द। विभक्तियाँ वही हैं, वचन वही हैं। नदी नद्यौ नद्यः, नदीम नद्यौ नद्यः, नदीह नद्या नदीभ्याम नदीभिः, नद्ये नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नद्योः नदीनां, नद्यां नद्योः नदीषु, हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः। नदी की तरह ही नारी पृथ्वी देवी गौरी पत्नी महती युवती आदि शब्दों के रूप भी चलेंगे। अब इसमें देखिए इकारांत हो, अब उकारांत में आ जाइए। उकारांत स्त्री लिंग शब्द में धेनु गाय जो हो स्त्रीलिंग है ना, तो गाय का स्त्रीलिंग शब्द में आइए। वचन वही हैं, विभक्तियाँ वही हैं। धेनु धेनु धेनवः, धेनुम धेनु धेनुः, धेन्वा धेनुभ्याम धेनुभिः, धेनवे धेनुभ्याम धेनुभ्यः, धेनोः धेनुभ्याम धेनुभ्यः, धेनोः धेनवोः धेनूनाम, धेनौ धेनवोः धेनुषु, हे धेनो हे धेनु हे धेनवः। धेनु की तरह से तनु रज्जु रेणु शब्दों के रूप भी बनेंगे। अब आपको इसमें से तो आप सब कंप्लीट कर लीजिए, और आपको इसमें से कोई भी रूप बनाने के लिए मैं दे सकता हूँ अगले क्लास में। थैंक यू।